नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग। मैं दिल्ली शहर में रहता हूँ। दिल्ली भारत की राजधानी है, बहुत ही बढ़िया शहर है। कई प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं, कर्मचारी, अधिकारी, व्यापारी, पॉलिटिशियन, सब एक ही बात के ऊपर जोर देते हैं, शिक्षा, एडुकेशन। शिक्षा का एक सरल अर्थ है जो मैंने सीखा है, देना, लेना नहीं। परंतु जिस समाज में मैं रहता हूँ वहाँ पे इसका अर्थ जब मैं देखता हूँ तो मेरे मन में दो सवाल उठते हैं कि हमने कितनी और किस प्रकार की शिक्षा ली है। मैं आपको कुछ वाक्य बताता हूँ, कुछ घटनाएं जो मुझे ये सोचने पे मजबूर करती है। ये दो प्रश्न। सबसे पहला वाक्य, कर्मचारी या डॉक्टर्स पढ़ाई लिखाई करके ही तो बनते हैं, शिक्षा से ही बना जाता है। आप किसी भी अधिकारी के पास चले जाइए या डॉक्टर के पास चले जाइए, वो सेवा देने की बजाय सेवा लेगा आपसे। सबसे पहले कुछ कहेगा, लाइए। अगर आप देने में समर्थ हैं तभी वो आपको अपना समय देगा, नहीं तो नहीं देगा। अब आप सोचिए कि हमने कितनी और किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त की है। अब मैं आपको दूसरा वाक्य बताता हूँ। एक मोहल्ले में एक प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ पे कई प्रकार के गाने बजाए जा रहे थे, छम्मा छम्मा, डार्लिंग और भी इस प्रकार के गाने चलाए जा रहे थे। और एक तो बड़े वाला डीजे था, पूरा एक टेम्पो भर के, उसके अंदर से म्यूज़िक नहीं, ध्वनि तरंगे निकल रही थी जो घर के कांच को या शीशे को तहस नहस करके रख दे, घर का शीशा भी बोले तड़ 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 तड़, अब गया तब गया। और अगर घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो वो भी ये बोले, बचाओ बचाओ हमें बचाओ, कभी भी मौत हो सकती है किसी भी बुजुर्ग की, ऐसी ध्वनि तरंगे उसके अंदर से निकल रही थी। अब आप खुद ही सोचिए कि हमने कितनी और किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त की है। अब तीसरा वाक्य मैं आपको बताता हूं। एक शादी में मैंने देखा कि लड़के वाले ये देख रहे थे कि लड़की वाले कितना दहेज देंगे, और लड़की वाले ये देख रहे थे कि लड़के वाला कितना कमाता है, कितने गुण हैं लड़के में ये नहीं देखे जा रहे थे, लड़की के अंदर कितने गुण हैं ये नहीं देखे जा रहे थे, बल्कि बैंक बैलेंस ये देखा जा रहा था। अब आप ही बताइए कि हम कितने और किस प्रकार के शिक्षित हैं। अब मैं आपको एक चौथा वाक्य बताता हूँ। मैं सड़क पर जा रहा था अपनी बाइक के ऊपर, और मेरे ही बगल में एक शानदार चमचमाती हुई गाड़ी जा रही थी, बहुत ही बढ़िया गाड़ी थी वो, चमचमाती हुई। उस गाड़ी को देखकर मैंने ये सोचा, ये क्या शानदार गाड़ी है, इसका ड्राइवर, इसका ओनर कितना ही शानदार व्यक्ति होगा। लेकिन कुछ देर बाद ही उस गाड़ी का शीशा नीचे होता है, और गाड़ी का ड्राइवर जो कि पान खा रहा था, पान की पीक सीधा उसने सड़क पे दे मारी, आधी पान की पीक मेरे ऊपर और आधी सड़क के ऊपर। बताइए, अब आप सोचिए कि हम कितने और किस प्रकार के शिक्षित हैं। इस तरह की ही शिक्षा के ऊपर रोचक बातें मेरे मन में और भी उठती हैं, जो कि मैं आपको अगले एपिसोड के अंदर बताना चाहूँगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।